हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज मैं बात करूंगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइरीन, जिसका फॉर्मेशन एथिल बेंजीन से होता है। इसकी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, एक बेंजीन ग्रुप है इस तरीके से, जिसमें कार्बन एटम दिखाई दे रहे होंगे और हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे होंगे, और यह स्ट्रक्चर है स्टाइरीन की। यहाँ पे स्टाइरीन की बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़कर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं बात करूंगा कि स्टाइरीन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। एथिल बेंजीन जो होती है, उसकी कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब उसे हीट किया जाता है तो यह हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और स्टाइरीन का फॉर्मेशन होता है, और यहां से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है। उपयोग देखते हैं हम कि किस किस तरीके से उपयोग में आता है। पवन ऊर्जा टरबाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर लाइनर में इसका उपयोग किया जाता है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक फूड सर्विस कंटेनर इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है, जो हम डिनर में यूज करते हैं प्लास्टिक के कप, और साथ में जो फूड कंटेनर्स यूज करते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं। मैन्युफैक्चरल पैकिंग जो होती है, थर्माकोल की पैकिंग, उसमें भी यूज आता है। मॉडल कार्ट और इसमें यूज आता है। प्लास्टिक फाइबर्स, रबर और लेटेक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके? दिमाग संतुलन खत्म हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो सकते हैं, सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, घुटन महसूस होती है, न्यूरोटॉक्सिन गैस है ये, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, शरीर पर चकत्ते बनाती है और आंखों में जलन पैदा करती है। और यहां पे हम देखते हैं कि जो पॉलीस्टाइरीन होता है वो भी एक प्लास्टिक का रूप है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अतः पॉलीस्टाइरीन भी हार्मफुल है वातावरण के लिए, और स्टाइरीन भी हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।